हमारा जो एग्जाम है वो खत्म हो गया एंड गेस व्हाट, guys welcome back to my channel and welcome to a new video. So today's video is gonna be my last exam of my college life. Today is the day when I will give my last exam of my graduation. I'm very excited and nervous because kal ke liye acha se preparation bhi nahi hua hai, and the second thing is I think this is the last exam of my life. I don't know, I can't say anything, but I just don't have the gut to give another exam. I'm just so exhausted by all of this. I really don't like exams, guys. It's so frustrating, you know. But right now, I just want to film last exam of my college life. So very excited and also nervous. Now I'm going to study for a bit, do some revise for my tomorrow's exam. Keep up with me, guys. And you haven't subscribed my channel yet, guys, go and check my videos and please do subscribe. I even don't know what I'm gonna do in this video, but let's do it, guys, together forever. Like I'm gonna बाद में जब मैं कहीं बाहर चली जाऊंगी बहुत साल के बाद, आई एम गोना सी दिस व्लॉग एंड रिमेंबर माई कॉलेज डेज. गाइस इट्स ऑलरेडी 11 PM राइट नाउ एंड आई हैव वन यूनिट लेफ्ट टू स्टडी मोर. सो पता नहीं आज कंप्लीट होगा कि नहीं होगा. आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट. मतलब वो आई एम ऑलमोस्ट सो हंग्री गाइस. मैंने डिनर भी किया था बट मुझे फिर से इतना ज़्यादा भूख लग रहा है. गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 5 AM राइट नाउ. आई जस्ट वोक अप टू रिवाइज. आई डिडंट वर्क अप, एक्चुअली मैं सो ही नहीं थी. आधा घंटा सिर्फ मैंने नींद पूरा किया. तो अभी इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं बस सो जाऊँ यार. इतना अच्छा मौसम क्यों होता है जब भी कहीं जाने का टाइम आता है. तो अभी फिलहाल मैं उठ चुकी हूँ, अब देखती हूँ क्या क्या होता है. मौसम इतना अच्छा आपको मैं दिखाती हूँ. सच में यार मन ही नहीं कर रहा है कि नहा धो लूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. नींद आ रही है मुझे. बट नहीं, आज मैंने पापा का सपना देखा था, बुरा सपना था. मुझे डर लगता है मुझे. हैव ए नाइस डे एवरीवन. गाइस मैं अभी जाती हूँ और थोड़ा फ्रेशन अप होकर आती हूँ क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. ठीक है, तो आप जाके मिलती हूँ. मैं नहाने गई थी और मुझे याद आया कि नहीं तो बिल्कुल नहीं है स्कार्सिटी ऑफ वाटर इतने टाइम से. तो सिर्फ मैंने बॉडी वॉश किया एंड थोड़ा सा मैंने फ्रेशन अप कर लिया है. नाउ आई एम वेरी रिफ्रेश्ड. और अभी एक्चुअली बजने वाले है 5:30. तो अभी मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको सब चीज़ दिखा सकूं क्योंकि मुझे रिवीजन भी करना है. सिर्फ 2 घंटे बचे हैं. इतने दिन मैंने एग्जाम दिया ना, 3 एग्जाम दिया, 3 एग्जाम में मैं ऐसे एग्जाम में गई कि ऐसा लगता है कि सीधा सो के उठ के चली गई. क्योंकि ना मैंने मेकअप वगैरह किया, ना कुछ बेसिक चीज़ मैंने किया, क्योंकि उतना टाइम मिलता ही नहीं एग्जाम समय में कि आप मेकअप करके जाओ. एंड सल्यूट टू दिस गर्ल्स जो एग्जाम टाइम पर बहुत खूबसूरत होकर आती है, बिकॉज वी कांट, वी डोंट हैव द एबिलिटी. सो एज नाउ आज मेरा लास्ट एग्जाम है. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों गंदे हालत में लास्ट एग्जाम में जाऊँ. लास्ट दिन में थोड़ा अच्छा दिखना तो बनता है ना यार. तो चलो थोड़ा सा एटलीस्ट मैं थोड़ा सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, फिर चलो आपसे मिल. ये है सनस्क्रीन, ये है एजियो का सन डिफेंस SPF 30+. ये मैं कब से यूज़ कर रही थी, 2 साल हो गया. एंड इट रियली मैचेस माई स्किन और आई थिंक इट मैचेस फॉर एवरी स्किन. इट्स ऑयल फ्री, नॉन ग्रीसी एंड लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला. मुझे ना बहुत टाइम वेस्ट लग रहा है क्योंकि अभी पढ़ना भी है. मेरा प्रिपरेशन थोड़ा बहुत डन हो चुका है बट फिर भी आई एम सो नर्वस. मतलब जैसा लास्ट एग्जाम में हुआ था वैसा दिल. जो बेबी पाउडर, आई लव दिस पाउडर यार. मुझे ना कम्पैक वगैरह से भी ये पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है. आई एम यूजिंग दिस फॉर सो लॉन्ग, यू नो गाइस. इससे मुझे लगता है कि स्किन में कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि बच्चों के लिए ना, बच्चों के चीज़ कभी हार्मफुल नहीं होते. सो आई एम यूजिंग दे माई टेक्निक. मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सब कर सकूँ, आई वाई मेकअप वगैरह, इसीलिए जस्ट मैंने ये टेक्निक ना बहुत रिसेंटली सिखाई क्योंकि मुझे कुछ लगाना नहीं आता तो ये फट से हो भी जाता है. माई लाइफ इज नथिंग विदाउट मस्कारा यू गाइस, आई लव मस्कारा. एक्चुअली मैंने मेरी एक फ्रेंड है तो उसने ही स्कूल लाइफ में मुझे आदत करवाया था मस्कारा का, वरना इतना मस्कारा मैं नहीं लगाती.
आई एम जस्ट डन गाइस, मुझे बस बाल कंघी करना है एंड आई एम जस्ट डन। तो चलो गाइस अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा वापस ये सब करने का, तो फटाफट मैंने कर लिया है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट भी खाएंगे, आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई। To organize to see whole day systematically provide well defined policies and program for students. Guys, just few minutes left to start my exam. I'm so nervous and I'm going to have my breakfast now. Guys, I'm just dying. Forecasting, gossip organization, utilization of manpower. So guys, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं 10 मिनट में यहाँ से निकलने वाली हूँ। फ़ोन तो अलाउड नहीं है तो मैं फ़ोन बिल्कुल लेके नहीं जा सकती, मौसम इतना ज़्यादा अच्छा होकर रखा है ना, सोने का मन कर रहा है। एग्ज़ाम तो ही देना पड़ेगा, तो अभी मैं निकलूँगी थोड़ी देर में। दिस इज माई आइडेंटिटी कार्ड एंड मैं आके मिलती हूँ और बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया है और क्या क्या हुआ है। जैसे भी जाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे एग्ज़ाम ख़त्म होना है। तो ओके गाइस, सी यू गाइस सुपर सून। अभी मैं लेट हो रही हूँ तो मैं निकलती हूँ, बाय। So guys, अभी हम लोगों का एग्जाम हो चुका है खत्म, हम लोग हो चुके हैं ग्रेजुएशन, बस रिजल्ट का इंतजार है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खींच रहे हैं सारा फोटो। हे गाइस, गेस व्हाट, मैं एग्जाम देके आ चुकी हूँ एंड काफी अच्छा लगा। हमारा जो एग्जाम है वो खत्म हो गया एंड गेस व्हाट, My exam went so well. Oh my god, बहुत अच्छा था। And मैंने जो वो क्लिप तो गाइज एग्जाम तो बहुत अच्छा था और जो मैंने क्लिप एड किया था ना, एक्चुअली हमारा फ़ोन ले जाना तो अलाउड नहीं था और मैं लेके नहीं गई थी, तो मैंने दोस्त लोगों के फ़ोन से वीडियो बनाकर मैंने इसलिए क्लिप को ऐड किया वहाँ पे। हम लोग फिर से मिले, कुछ कुछ खाया पिया, बातचीत किया, फ़ोटो वगैरह बहुत सारा क्लिक किया एंड अब मैं आ चुकी हूँ अपना रूम क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है ऑलमोस्ट। मेरा ना ये चार पेपर में से एक पेपर ही था जो थोड़ा सा मतलब ख़राब गया, बाकी सब ठीक ठाक ही था। तो वेटिंग फॉर द रिजल्ट, मतलब हाँ इतना तो भरोसा है कि पास तो हो जाएगा, बट लेट्स सी द रिजल्ट, द परसेंटेज, मतलब कैसा होता है कैसा नहीं। मतलब आई होप कि आप लोगों ने मेरा आज का इस व्लॉग को भी इंजॉय किया होगा। मैंने ना थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया था ताकि आप लोगों को मैं जितना हो सके वो बता सकूँ। तो जस्ट यही था मेरा आज का नॉर्मल डे। तो अभी मैं बस आ चुकी हूँ, अभी मैं फ्रेशन अप होने वाली हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या करना है। एंड या कॉलेज लाइफ अब हमारा यही पे एंड होता है। आज हम लोगों ने लास्ट अपना पेन को फुल स्टॉप देके आ गया है कॉलेज से, तो काफ़ी अच्छा था। मतलब पहले तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था मुझे, मतलब दुख वाला, बट रास्ते में आते आते ना एक अलग सा इमोशंस एक हो गया था कि जो भी हो जैसा भी हो, इट्स अ कॉलेज लाइफ एंड इट्स जस्ट एंडिंग हियर। सो आई होप कि आप लोगों ने मेरा ये लास्ट एग्जाम व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी कर देना। एंड या गाइस, दैट इज इट, बाय, एंडिंग ऑफ कॉलेज लाइफ।